सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस यार, आज भी मेरे पास बहुत सारे न्यूज़ है और कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ है ना पबजी मोबाइल को लेकर, और आप सभी को इस न्यूज़ को सुनने के बाद काफ़ी बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम सभी को पता है कि टेक्निकल गुरुजी ने ये कहा था लास्ट वाली वीडियो में, जो कि यहाँ पे निकल के आ रहा है 16 फरवरी के पबजी मोबाइल का कोई भी अनाउंसमेंट या फिर पबजी मोबाइल ही हम सभी को देखने के लिए मिल जा रहा है। कि हम सभी को पता है कि पबजी मोबाइल की जो इंडियन वर्जन है उसकी जो भी वेबसाइट है, जो भी उसके अंदर अंडरग्राउंड में जो भी काम कर रहा है, बहुत ही मतलब तोड़ फोड़ के क्रैफ्टन लगा हुआ है पबजी मोबाइल को इंडिया पर वापस लाने के लिए। साथ ही साथ हम सभी को और एक न्यूज़ निकल के ये आ रहा है कि मैक्सटन, आप सभी को पता है कि बहुत ही ज़्यादा ट्वीट करते हैं। अब गैस इस ट्वीट में अचानक कल एक ट्वीट निकल के आ रहा है मैक्सटन की तरफ से, जो कि यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, ए डेडली अनाउंसमेंट बिटवीन January 15th to 19th सोन कन्फर्म लिखा है, एल्स विल डिलीट माई ट्विटर। अब गैस इस ट्वीट को पढ़ने के बाद आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे यार मैक्सटन तो कभी ना कभी यार कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्वीट कर ही देते हैं, लेकिन गैस ये जो ट्वीट है ना बहुत ही खास होने वाला। अब गैस यहाँ पे उन्होंने तो नहीं बताया कि यहाँ पे पबजी मोबाइल अनाउंसमेंट होने वाला है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हम सभी होप लगा सकते हैं, एक मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 15 जनवरी से 19 जनवरी के अंदर हम सभी को कुछ बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, जो कि हम सभी को पता है कि स्पोर्ट्स प्लेयर्स कहीं ना कहीं पबजी मोबाइल के टच में, क्रैफ्टन के टच में, और उन सभी को शायद छोटी मोटी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। शायद इसी के आधार पे यहाँ पे मैक्सटन भाई ने ये ट्वीट करा है। अब गैस ये जो न्यूज़ है, अगर 15 जनवरी और 19 जनवरी के अंदर नहीं आता है कुछ भी अनाउंसमेंट, तो शायद यहाँ पे ट्विटर अकाउंट डिलीट हो सकता है मैक्सटन भाई का। तो क्या सोचते हो गाइस इसके बारे में, आप लोग जोर से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। गाइस ये न्यूज़ थी बहुत ही बड़ी न्यूज़। और भी न्यूज़ आगे चलने से पहले आपसे भी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर करना। तो गाइस यार यहाँ पे और एक चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ, फौजी मोबाइल हम सभी को बताया गया 26 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। अब गाइस यहाँ पे अगर आप जाके गूगल पे सर्च करते हो कि फौजी बेटा वर्जन, तो गाइज आपको भर के आर्टिकल्स और भर के आप सभी को क्या यहाँ पे एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज यार मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ और आप सभी को भी पता, अगर आप इंटरनेट पे एक्टिव मैक्सिमम रहते हो तो यार कोई भी अगर गेम हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो, लॉन्च होने से पहले बेटा वर्जन लॉन्च होता है। और यहाँ पे अगर इस गेम को 26 जनवरी को लॉन्च करा जा रहा है तो इसकी जो अनाउंसमेंट है बेटा वर्जन की, वो भी बहुत ही जल्द ट्विटर पे हो ही जाएगा। आप कोई भी ऐसे थर्ड पार्टी या फिर अनवांटेड वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट मत करो, और कहीं से भी कुछ भी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड मत कर देना कि फौजी का है करके, क्योंकि यार उससे आपका मोबाइल में इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपका मोबाइल हैक भी हो सकता है और स्कैम है गाइज, ये टोटल स्कैम है। तो गाइज यार किसी पे बिलिंग मत करना, अभी फौजी मोबाइल आने में लेट है, 26 जनवरी तक आ ही जाएगा। अगर कुछ भी इसके रिलेटेड बेटा वर्जन अगर बीच में आता है, अगर मार्केट पे आता है, तो आई डेफिनेटली लेट ही हो तो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गाइज, प्लीज़ आप सभी है ना कोई भी थर्ड पार्टी को सपोर्ट मत करना और वहाँ से इंस्टॉल मत करना। साथ ही साथ सेम थिंग नज़र आ रहा है पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन को भी। सो प्लीज़ गाइज किसी को ट्रस्ट मत करो, कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड मत करो। तो ये जो दो न्यूज़ थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, होप कि आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।